तो आगे क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि सैमसंग को सैमसंग गैलेक्सी S10 के अंदर से आरी सेंसर को हटाना पड़ा। आगे इस वीडियो को देखते रहिए, हम बात करने वाले हैं इसकी स्पेक्स की, उसके बाद छोटा सा डिस्कशन भी इसकी और सारी डिटेल्स के ऊपर। सो गाइस कीप वॉचिंग कमिंग अप। तो सबसे पहले नजर मार लेते हैं इसकी लॉन्च डेट को लेके, जो कि इंडिया के अंदर अनऑफिशियली बताई जा रही है 20 फरवरी 2019, यानी कि बहुत ही जल्द। उसके बाद बात कर लेते हैं उसके कुछ स्पेशल फीचर्स की, यानी कि कुछ सेंसर्स की, जहां पे आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि भैया ऑन स्क्रीन यानी कि अंडर डिस्प्ले के भी कह सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर काफी सारे अलग अलग सेंसर्स भी मिलते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, अप्रॉक्सीमेट सेंसर, एक्सेलेरेट सेंसर, बैरोमीटर, ई कंपास, जायरोस्कोप, और भाई बड़ा ही बात आईरी सेंसर की, वो आपको इस बार इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में जब डिस्कशन होगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगी क्विक चार्जिंग, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड वर्जन 9.0, यानी कि एंड्रॉइड पाई, जो कि काफी लेटेस्ट है और सैमसंग को इस बार भाई देना चाहिए था और दिया भी है उन लोगों ने। उसके बाद बात कर लेता हूं इसकी सिम स्लॉट्स के बारे में, जहां पे फिलहाल तो ऐसा कहा जा रहा है कि होगा डुअल सिम फोन, जहां पे एक होगा नैनो और एक होगा नैनो हाइब्रिड, यानी कि एक मतलब मेमोरी कार्ड की भी जगह है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है, जो हमारे पास फिलहाल स्पेक्स है उसके अनुसार ये होगा एक 4G फोन, बट जब फोन रियलिटी में आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है, यानी कि भाई 95% चांसेस है कि वो एक 5G फोन हो। देन इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक 3.5mm का जैक। उसके बाद बात कर लो इसकी चिपसेट की, तो वहां पे आपको मिल जाएगा सैमसंग एक्सिनो 9 ऑक्टा कोर 9820, और मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो वो होगा मेली G76MP12। देन बात कर लेते हैं यार प्रोसेसर की, वहां पे आपको मिल जाएगा ओक्टा कोर, और थोड़ा सा डिटेल में जाया जाए तो वो होगा डुअल कोर प्लस डुअल कोर कॉर्टेक्स A75, क्वाड्रा कोर कॉर्टेक्स A55। उसके बाद बात कर लूं आर्किटेक्चर की, जहां पे ये होगा 64 बिट ऑब्वियसली। उसके बाद है रैम, यहां पे आ जाएगी आपकी 6GB की। उसके बाद मैं अगर थोड़ा डिजाइन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होने वाली है वो होगी 7.8mm की, जो कि यार एक जनरल थिकनेस होती है। विड्थ की बात करो तो वो होगा 70.9mm का, और अगर मैं थोड़ी बहुत वाटरप्रूफ की वगैरह बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा IP68, जो कि होगा अप टू 30 मिनट्स इन डेप्थ 1.5 मीटर, यानी कि एक वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ फोन होने वाला है एज यूजुअल अपने बाकी फोन्स की तरह, यानी कि जो आज तक सीरीज निकल के आई। उसके जो इसकी हाइट होने वाली है वो होगी 148.9 मिलीमीटर। अगर मैं कलर वेरियंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर देखने के लिए ब्लू, ब्लैक, उसके बाद भाई आपका ग्रीन, व्हाइट कलर वेरिएंट्स, और भी कलर वेरिएंट्स शायद निकल के आ जाए जब लॉन्च की डेट आ जाए धीरे धीरे, मतलब मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। उसके बाद मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा सुपर अलमोल्ड, यानी कि AMOLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन विद 16M कलर्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6.1 इंच की स्क्रीन और 15.49 सेंटीमीटर की, मतलब अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कहूँ तो। देन भाई आपको इसके अंदर मिल जाएगा कोरिना गोरिल्ला ग्लास 5, और अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेसिक मॉडल आएगा यानी कि सबसे पहले वाला वर्जन होगा वो होगा 128GB इंटरनल और 400GB की भाई एक्सपांडेबल, या फिर हो सकता है 512 तक जाए। देन भाई ये USB OTG सपोर्टेड होगा। और अगर मैं बात करूँ कैमरा की यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको भाई पीछे की तरफ दो कैमरा मिलेंगे जो कि होंगे 12+12, और शायद आगे की तरफ आपको मिलेगा एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जहां तक अभी कहा जा रहा है। बाकी कोई डिटेल्स अभी मैं कुछ स्पेसिफाई कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी है नहीं भाई, क्या होता है। उसके बाद बात कर लूँ बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 3500mAh की बैटरी, जो कि होगी क्विक चार्जिंग सपोर्टिंग, एंड अगर मैं ब्लूटूथ की बात करूँ तो वो होगा वर्जन 5.0। तो ये कुछ खास डिटेल्स थी सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में। अब सबसे बड़ी बात जो सब लोगों को खल रही है कि भाई इसके अंदर आईरिस सेंसर क्यों नहीं दे रहे, जो जैसे कि आपने इसकी ऑलरेडी एड्स वगैरह देखे होंगे, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी होगी, ऑफिशियली तो नहीं, मतलब जो लोग ह्यूमर्स बना रहे हैं, तो भाई जहां पे आप देख सकते हैं एक छोटे कैमरे की जगह वहां पे आईरिस सेंसर को नहीं लगाया जा सकता। पहली चीज तो डिजाइन में फिट नहीं होता, और दूसरी चीज वो इतनी इजीली पॉसिबल नहीं था कंपनी के लिए शायद, इसलिए उन लोगों ने आईरिस सेंसर को इस बार हटा दिया, जो कि ऑब्वियसली काफी सारे यूजर्स के लिए काफी एक निराशा की बात है, एक हराशा की बात है। यार आपका क्या कहना है इस चीज को लेके मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। और ऊपर यार एक ऊपर पोल चल रहा है कि आपको भाई सैमसंग गैलेक्सी S10 पसंद आया भी या नहीं, मुझे जरूर बताना उस पोल के अंदर वोट करके, ताकि आई लव इट और इट हेट इट। तो खैर जो भी है, अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक यही कमी नहीं थी, उसके बाद भाई इसमें जैसे बताया जा रहा है कि ये 5G अगर नहीं होता है तो एक सबसे वाला भाई बैक स्टेप होता है सैमसंग
की तरफ से कि वो अब सैमसंग गैलेक्सी S10 जो कि 2019 में हो रहा है उसमें 5G नहीं लेके आ पाएगा, अगर नहीं लेके आता है तो सिर्फ तब। बैटरी खैर इसकी ज़बरदस्त है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कैमरा की तो ऑब्वियसली भाई वो काफ़ी ही बेटर होने वाला है और बाकी सब तो परफेक्ट है। तो खैर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार मुझे बताओ ये वीडियो कैसी थी, काफ़ी लंबे समय बाद आई है और मैं ट्राई करूँगा आपसे थोड़ा रेगुलर होने की। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम एंड वेलकम टू योर ब्रेंड न्यू वर्ल्ड।